फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भरवां प्याज की सब्जी। अक्सर फ्रेंड्स, ये सब्जी तभी बनाई जाती है जब हमारे पास में कोई और सब्जी नहीं होती, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ ये सब्जी सभी को बहुत पसंद है और सारी सब्जियाँ होते हुए भी मेरे यहाँ पर भरवां प्याज की सब्जी अक्सर बनती है। तो कई लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको लगने वाले इन्ग्रीडियंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए हैं मूंगफली के कुछ दाने, कुछ खड़ा धनिया, लौंग, मेथी दाना, कुछ थोड़े से सीड्स लिए हैं मैंने। साथ ही मैंने यहाँ लिया है खसखस, दालचीनी की 2-3 स्टिक्स, रेड चिली, सौंफ और ब्लैक पेपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो हमारी मूंगफली के दाने हैं उन्हें सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी एक टिप दी थी, जब भी आपको मूंगफली के दाने सेकने हैं तो आप उसे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसमें, जिसकी वजह से आपके जो मूंगफली के दाने बहुत अच्छी तरीके से सिकेंगे और साथ ही इनके छिलके जो हैं वो आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही थोड़ा सा दाना सिक जाए, आप उसको इस तरीके से अगर हिला देंगे तो सारे छिलके वो अपने आप ही छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो आपका ये एक जो टिप है काम भी आती है, और अक्सर हम इस तरीके से दाने घर में सेकते ही रहते हैं तो अलग से आपको इन्हें छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे ठंडा करके हम सारे छिलके इसमें से उतार लेंगे और उसके बाद हमारे जो बचे हुए मसाले हैं उन्हें हम सेकेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है खड़ा धनिया, लौंग, सौंफ और काली मिर्ची, और कुछ दाने डाले हैं मैंने इसमें मेथी दाने के, और खसखस और जो रेड चिली है उसको हम बाद में सेकेंगे क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है। तो दालचीनी भी मैंने इसमें डाल दी है और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी खसखस और रेड चिली, और अच्छे से सेकने के बाद इसे पूरी तरीके से हम ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप मसाले बनाते हैं तो सब्जी का टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। तो ये सिक चुके हैं, गैस बंद करके इसे हम ठंडा होने देंगे। तो पूरे मसाले ठंडे हो चुके हैं, इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने एक मिक्सर का जार लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मूँगफली के दाने और हमारे सारे मसाले जो हमने सेक के रखे हैं। और इसको हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट, इसका पाउडर तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा इसे हमें दरदरा ही रहने देना है। इस तरीके से हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं किया है। और यहाँ हम प्याज के बना रहे हैं सब्जी, तो प्याज दिए हैं मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के, तो उसको हम इस तरीके से कट लगाएंगे। पूरी तरीके से ऐसे काटना नहीं है हमें, सिर्फ हल्का सा कट लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने सारे प्याज को कट लगा लिया है। और अब जो हमने मसाला तैयार किया था उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा चटपटे बनते हैं ये। इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम प्याज के अंदर इसे भरेंगे। तो प्याज में भरते टाइम आप ध्यान रखिए, अगर हम थोड़ा ज़ोर से इसको खींचेंगे तो हमारा प्याज जो है वो फट जाएगा। तो बहुत हल्के हाथों से इसे आप खोलिए और धीरे से इसके अंदर सारे मसाले को भर लीजिए। तो एक एक करके हम सारे मसाले इसी तरीके से भर लेंगे। फ्रेंड्स, आपका जो ये मसाला बच जाएगा आप इस तरीके से बना कर रख सकते हैं, आप और भी सब्जियों में इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे मसाले जो है वो प्याज में भर लिए हैं। और अब फ्रेंड्स, हम लोग एक पैन गरम करने के लिए रखेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे मस्टर्ड सीड्स या फिर राई के दाने। और राई जैसे ही गर्म होती है उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो प्याज हमने मसाले भर के रखे थे। तो एक एक करके हम सावधानी से हम सारे प्याज को इसमें रख देंगे और थोड़ा सा मसाला हम इसमें ऊपर से छिड़क देंगे। उसके बाद इसे कवर करके थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाद देखिए थोड़े से ये नरम होना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको हिला लेते हैं। सब तरफ से हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और वापस से कवर कर लेंगे। कुछ 3-4 मिनट के बाद ही मैंने इसको फिर से चेक किया है और इसको अब हम थोड़ा सा पलट देंगे ताकि नीचे वाला जो इसका हिस्सा है वो भी सिक जाए। तो हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा हमें इसको सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो बस हमारे प्याज जो है बिल्कुल रेडी है। इसको हम पलट देते हैं इस एक तरफ से, और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और आगे की सब्जी की जो हमारी ग्रेवी है वो हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से सारे प्याज मैंने पलट दिए हैं और इसको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर, अदरक और
मिर्ची, इसको हम फाइन प्यूरी बना लेंगे। साथ ही हो गई है मेरी अब टमाटो प्यूरी तैयार। थोड़ा सा हमारा ड्राई रोस्ट मसाला, दही, थोड़ी सी लिया मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर और सब्जी मसाला लिया है और हल्दी पाउडर। सब्जी मसाला आपकी पसंद का आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, अदरवाइज आप गरम मसाला भी ले सकते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम पैन गरम करने रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे। हींग से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और हमारा डाइजेशन सिस्टम को भी हींग अच्छा रखता है। तो जैसे ही हमारा हींग गरम हो गया, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है जीरा। जीरा जैसे ही हमारा तड़क जाता है, उसके बाद हमारी जो हमने टोमेटो की प्यूरी तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे और उसे तब तक सेकेंगे जब तक हमारे टोमेटो में से तेल निकलना शुरू नहीं हो जाता। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम सारी ग्रेवी को सेक लेंगे। तो देखिए टोमेटो ने अच्छी तरीके से सिक चुके हैं, तेल रिलीज कर दिया है। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर हमारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और हाथों से क्रश करके हम थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। और थोड़ी कसूरी मेथी मैंने लास्ट में गार्निशिंग के लिए बचा ली है। इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इस टाइम पर मैंने इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला है। नमक हम डालेंगे जिस टाइम हम दही ऐड करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। तो यहाँ पर फिर हम जो हमने मसाला जो हमने सेक के रखा हुआ था, मिक्स किया हुआ, वो हमने 4 चम्मच लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मसाला आपका बच जाता है, वो आप कोई सी भी मसाले की सब्जी जब भी बनाते हैं, कोई दूसरी सब्जी, उसमें भी आप इस मसाले को ऐड करके देखिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गैस बंद करने के बाद में दही को थोड़ा सा फेंट लिया और फेंट के मैंने इसमें डाला है, जिसकी वजह से आपका जो सब्जी है उसमें दही बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो जब भी आप दही डालें किसी भी सब्जी में, तो गैस को पहले बंद कर दें, दही को अच्छी तरीके से फेंट लें और जब दही और मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, उसके बाद में ही आप गैस को ऑन करें और उसके बाद में ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा नमक। जब हम लास्ट में नमक डालते हैं तो हमारी सब्जी में बिल्कुल भी दही फटता नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है, अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में हमारी सब्जी को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, उस टाइम तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और जैसे ही हमारी सब्जी के अंदर उबाल आएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे मसाला भरे वाले प्याज। तो ये देखिए सब्जी में धीरे धीरे उबाल आना स्टार्ट हो गया है और अब हम एक एक करके जो हमने प्याज रखे थे भर के, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज रखते टाइम ध्यान रखिए, क्योंकि प्याज जो है वो खुलने लग जाते हैं। वो मसाला भरे हुए थे लेकिन वो पूरी तरीके से पके हुए हैं, तो इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा देर तक सब्जी को पकाने की या हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब हम थोड़ी थोड़ी ग्रेवी जो हमारी नीचे की है वो हम प्याज के अंदर डाल देंगे, ताकि वो भी अंदर तक चली जाए। और इसको कवर करके कुछ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से प्याज पक चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी देर और इसको हम पका सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए फिर से मैं इसको कवर करती हूँ और कुछ 2-3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये 2-3 मिनट हो गए हैं और ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। ग्रेवी भी इस पर बहुत अच्छी आई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी जो हमने बचा ली थी वो इसके ऊपर स्प्रिंग कर देंगे। आप चाहेंगे तो आपके पास अगर धनिया हो तो आप थोड़ा सा इस पर धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भरमा प्याज की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे पूरी, पराठे, नान, रोटी किसी के भी साथ में इंजॉय कर सकते हैं। आप किसी पार्टी में भी बना सकते हैं या फिर आप घर में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं बना के, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।